हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं। मेरा नाम दमनप्रीत सिंह है, मैं बठिंडे दे रहण वाला। मैनू पहला ऐनका जदों मैं लाउंदा हुंदा सीगा बहुत दिक्कतां आउंदियां सीगियां, ला लो जिम लाउण लगे जां किसे मैरिज फंक्शन अटेंड करना है, ठीक है, ते शेड्स वगैरह उदों लाउणे औखे लगदे सीगे क्योंकि जां पहला लैंस लाओ होर सौ झंडा करना, मतलब बहुत मैनू डिफिकल्ट लगदी सी ओह चीज़। जिम 'च वी इदां सीगा कि सैट आ गया जां फिर औखा लगदा सीगा कि इरीटेशन हुंदी सीगी वर्कआउट लाउण लगे। बाकी फेस ते मैनू हमेशा जिथे भी मैं तैयार होकर जाना हुंदा सीगा मैनू ऐ हुंदा सीगा कि ऐनका ना लाउणियां पैण तां बैटर है। तो फिर मैं सोचा कि लेज़र करवा लीए, फिर मैनू मेरे फ्रेंड ने रैफर किया डॉक्टर कशिश बारे, फिर मैं उन्होंने रैफरेंस से इतने आया। इन्होंने स्टाफ ने मेरे बहुत वधिया कोऑपरेट किया। पहला मेरे मन च डर सीगा कि शायद पता नहीं की लेंस कटिंग पता नहीं की वगैरह करते, अपने प्रोसैस का जिम्मे नहीं पता हुंदा। इन्होंने मैंने प्रोसैस एक्सप्लेन किया, फिर मेरा मैंने दो दिन जाने मैंने अपॉइंटमेंट दे के अगले दिन मेरा ऑपरेट करता इन्होंने। मैंने 15 मिनट्स ही लगे, तो उस तो बाद मैं ऐ लग्या कि हाँ यार कि नज़ारा ही आ गया, तो मतलब इन टाइम हो गया कि आप वांझे ही बैठे से इस चीज़ तो। इस चीज़ लिए मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेल माय नेम इज़ खुशी, आई बिलोंग टू बठिंडा सिटी एंड टुडे आज मैं गल करना चाहूँगी आपके ऑपरेशन के एक्सपीरियंस बारे। सो मैं दसना चाहूँगी कि पहले ऑपरेशन तो पहला मैं बहुत ज़्यादा जी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करती सी, जिवें कि फॉर एग्जाम्पल विंटर के मैं फोक की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती सी जो मैं ट्रैवल करती सी इधर उधर। मोर ओवर किसी भी फंक्शन वगैरह पर जाना तो स्पेक्स वेयर करना एक ऑकवर्ड लगता सीगा एंड मैं बड़ी फेडअप हो चुकी सी इन चीज़ों तो। सो एक दिन मेरे फ्रेंड ने मैनू रेकमेंड किया कि उन्हें भी लेज़र करवाया है, स्पेशली फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल डॉक्टर कशिश गुप्ता तो करवाया है एंड देन आई सो हर कि बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा उन्होंने इन्हों के नाल। सो मैं भी आपके फादर नाल गल की कि आप भी एक बार विजिट करिए मैक्स हॉस्पिटल एंड जो असी इतने आए उदों भी बहुत ज़्यादा सर्विसिज इन्हों प्रॉम्प्ट सीगियां, बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा इन्होंने, बहुत वधिया सानू रेकमेंड किया कि तुसी लेजी आराम नाल करवा सकते हो। कितने ना कितने मेरे मन च भी डर सी कि शायद रिजल्ट्स गुड ना होन, बट उन्होंने प्रॉपर गारंटी के नाल मैनू कहा कि वधिया रिजल्ट आएगा एंड डेफिनेटली आफ्टर वन डे ऑफ ऑपरेशन मैं बहुत वधिया क्लीयर देख रहा हूँ एंड बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। वन थिंग मोर कि स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है इन्हों का, लाइक एक एक चीज़ उन्होंने प्रॉपर सानू दसी कि किवें सारा कुछ करना है, ईवन कि इन द ऑपरेशन थिएटर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सानू वो किया मोटिवेट किया कि कोई इशूज़ नहीं है, डरन की गल नहीं है, सब कुछ बहुत वधिया होगा, तो सब कुछ बहुत वधिया ही होया एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू। मैं फाजिलका तो हाँ, तो मेरे पहला ऐनक लगी हुई सी, धुंधला विखदा सी, दूर का नहीं विखदा सी ऐनक वगैरह, यह परेशानियां करके ही मैनू एक मेरे फ्रेंड ने दसिया मैक्स हॉस्पिटल के कशिश शर्ट बारे भी वो लेजी करते ने। पहला तो डर लग्या सी भी लेजी का और वगैरह, इतने सर नाल मिलिया वधिया लगे, उन्हें सारे दसता भी ये कुछ हुंदा है, मैं बाद च मैं लेजी कराया, लोग डरते ने भी लेजी आ हुंदा आ हुंदा कुछ नहीं हुंदा, मैं कराया बहुत वधिया रिजल्ट है, हुण मैं बिना ऐनक तो बहुत वधिया साफ विकदा है। जदों मैं इत्थे हॉस्पिटल च आया तो इत्थे स्टाफ बहुत वधिया तरीके नाल हैंडल करते हैं, परिवारिक मैंबर वांग करते हैं हैंडल, शुरू तो लैके हुण जदों ओटी च लेके गए या मैं ऑपरेशन करा लिया हुण तक मैं मैक्स हॉस्पिटल का इतों के स्टाफ तो विशेष कशिश गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ भी उन्होंने मैनू वधिया नज़र दी तो वधिया मेरे नाल ट्रीट किया और धन्यवाद है मैं इन्हों का बहुत बहुत। मेरा नाम अंकुश है, असी बठिंडा तो हाँ, तो मेरे मेरा काफ़ी ज़्यादा नंबर सी तो मैनू पहला स्पेक्स लगी हुई सी पर मैं कुछ कुछ दिक्कत आ रही सी जिमें कि बाहर जाने हैं तो स्पेक्स के अगे फॉग आ जाती है विंटर्स, या फिर कितने मैरिज फंक्शन पर जाने हैं तो उसे स्पेक्स लगानी पैंती है, लेंजेस नू वैसे ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना एक अलग हेडेक है, तो इसलिए मैंने लेज़र ऑपरेट कराने का डिसाइड किया। तो मैंने डॉक्टर कशिश बारे पता लग गया तो मैंने रीसेंटली लेज़र करवाया, हूँ सब अच्छा है, मैं प्रॉपर दिख रहा है, प्लस हूँ कोई हेडेक नहीं है चश्मे का, तो लाइफ कलरफुल हो गई है, कोई पेन नहीं होया ऑपरेशन के दौरान, सब बहुत ही स्मूथली सी, इट जस्ट टुक 15 मिनट्स इन टोटल एंड नाउ एवरीथिंग इज सुपर कूल, सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं सर फाजिलका रहने वाला सर, मेरे ऐनक लगी हुई सी जी 10 साल हो गए तकरीबन, मेरे अपने फ्रेंड हैगा जी एक राजस्थान का, उन्होंने सर को ऑपरेट करवाया सी जी, तो उन्होंने पहला उन्होंने सिस्टर से करवाया सी जी तकरीबन 12 साल पहला,
उस तो बाद मैं उन्होंने को गाइडेंस लेके सर को आया जी इतने तो स्टूडेंट से जो मैं सर मैं वेखन से भी जो पढ़ते हैं आप पिछले बैंच बह के अपन बोर्ड साफ नहीं विखाई दे रहा सर तो नाले अपने वेखन से भी बड़ा परेशानी आँगी सी इन कुत्ते थले हो जाती सी सर मोटरसाइकिल से जिम्मे हैलमेट ला के तुरद अपना पाफ चढ़ जाती अखा सर्दियों से बड़ी दिक्कत आँदी है सर जो सिर पर कुछ बन्या हों पाफ चढ़ जाती अखा से तो खेत से भी जो आप कम करिए पसीने से भी तो अखा नाले इनक भर जार तो हूँ जो आप करा लिया मेरे बड़िया मुश्किल लह गई सर मैं करदे नाल गल करके सर को आया इतने जी तो हूँ मेरा फ्राइडे तो है जी 5 दिन हो गए करवाए नूं तो हूँ मैं वधिया महसूस हो रहा जी स्टाफ तो सर बहुत वधिया ने जी ऑपरेशन से मैं कोई दिक्कत नहीं आने दी मेरा सब डर डूर खत्म करता जी सर इन्होंने बहुत चंगा लगे जी सर मैं एवरीवन माय नेम इज़ रिया अज मैं गल करना चाहनी हाँ आपके ऑपरेशन बारे जेड़ा कि मतलब ह्यूमन नेचर है भी ऑपरेशन के नाम तो ही आप बहुत ज़्यादा डर फील करते हैं एक आपके अंदर सेम थिंग मेरे अंदर भी सीगा एंड पर आफ्टर ऑपरेशन आई फील वेरी गुड एंड आई ऑल्सो सी ऑल थिंग्स वेरी क्लियरली विद माई ओन आईज एंड इट्स होल क्रेडिट गोज टू द डॉक्टर कशिश बिफोर ऑपरेशन आई फील वेरी डिसअपॉइंटिंग ड्यू टू माई डेली रूटीन जो भी मैं सब तो पहला उठना पहले अपनी स्पेक्स लभनी बी कि है उस तो बाद ही सारा कुछ दिखता सीगा एंड जो भी किसी फंक्शन पर जाना भी आप मेकअप वगैरह सारा कुछ करते सीगे तो उस तो बाद पता ही है भी एनक तो पानी पेगी ये वो बट हूँ मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ आ मेरा सैकेंड डे है तो मैं सारा कुछ ध्यान नाल देख सकती हाँ एंड जे तुसी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस तो दुखी हो चुके हो उन्हें रिमूव करवाना चाहते हो प्लीज़ विजिट दिस आई ऑल्सो रिकमेंड यू। हैलो मेरा नाम भगवंत सिंह है मैं बरनाला रहने वाला जी पहला एनक लाइनिया या पढ़ने वगैरह बारे दिक्कत आँदी सी ब्याह वगैरह जाते उ भी दिक्कत आँदी सी इसलिए मैं सोचा भी अपन लेसिक करा दें जो मैं इतने आया इन्होंने मेरी पूरी सहायता की सारा कुछ इन्होंने समझाया भी ऑपरेशन वगैरह बारे ना इन्होंने कोई दिक्कत आने लगी OPD से ना ऑपरेशन टाइम कोई इंजैक्शन कुछ कट वगैरह तो कुछ नहीं पता लगे ना इन्हें लाया ठीक है ना मैं ऑपरेशन टाइम का पता लग्या तो हूँ जमा क्लीयर है अज पूरे 10 दिन हो गए ऑपरेशन हुए हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं सारा कुछ ओके है नॉर्मल डॉक्टर कशिश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मैं एक नवी दुनिया देखने दिखती जी। माई नेम इज़ जगनदीप कौर आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बरनाला मैं बहुत सालों तो चाहती सी कि मैं लेज़र करवावा मैं कोई भी फंक्शन पर जाना बहुत प्रॉब्लम आती सी स्पैक्स लगा के तो फिर लैंस यूज़ करने पैंते उस तो बाद फिर भी प्रॉब्लम आती सी बट मैनू मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने लेज़र करवाई तो उन्होंने कहा भी तू लेज़र प्लास्टिक सर्जरी करवाओ तो मेरे अंकल दे नोन ने डॉक्टर कशिश एंड उन्होंने मैनू बहुत वधिया गाइड किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी वी लेसिक सर्जरी ना बहुत वधिया है थोनू फ्यूचर से भी वधिया रहूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी मैं इत्थे आई तो इत्थों दा स्टाफ बहुत वधिया बहुत कोऑपरेटिव ने बहुत पोलाइट वे नाल गल करदे आ मैनू बहुत वधिया फील होया मेरी हुणे हुणे सर्जरी हुई आ मैनू ऑपरेट कराउण ते पहलां बड़ी नर्वसनैस हो रही सी 2-3 दिन पहलां तां बहुत ज़्यादा मतलब पहलां भी होंदी सी पता नहीं की होगा की आउणा आ पर ऑपरेट कराउण तों बाद मैनू बहुत वधिया फील हो रहा कोई इहो जिही प्रॉब्लम नहीं सिर्फ 10 मिनट दे विच ऑपरेट हो गया एंड पता भी नहीं लग्या कोई पेन नहीं होया पेनलैस सी मेरी ब्लेड फ्री सर्जरी सी तो कोई पेन नहीं होया तो हुण मैनू वधिया फील हो रहा तो स्टार्टिंग जिद्दां सी थोड़े आईज ओपन नहीं सी हुंदियां तो बट वधिया फील हो रहा हुण तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 आवर्स दे विच मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करांगी तो मैनू बहुत वधिया लग्या इत्थे आ के मैं सब नू रिकमेंड करांगी कि तुसी भी इस हॉस्पिटल च आओ मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा आओ तो अपना इत्थे लेसिक सर्जरी कराओ बिना किसी डर तो थैंक यू।